बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह के बहुत खूबसूरत और बाबरकत नाम है। मैं अल्लाह ताला के नाम से, अल हादी के नाम से शुरू कर रही हूँ ये चैनल, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फ़ज़लो करम करे, अपना अपनी रहमत नाजिल करे और मुझे तौफीक दे कि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको दिखाऊं, इंशाल्लाह अच्छी बातें सुनाऊं और अच्छी वीडियोस दिखाऊं इंशाल्लाह। और आप सब पे अल्लाह ताला फ़ज़लो करम करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम पेश करें और अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करें। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी रमज़ान के रोज़े रखने की और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ा जाए रमज़ान शरीफ में। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। और हज़रत सहल बिन सईद रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों में इस वक्त तक खैर बाकी रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी आपके लिए लेके आऊँगी हदीस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें आप ये जल्दी से इफ्तारी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी रेडी है और सब मिलके इफ्तारी करें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर व बरकत डाले, आपके रिस्क में इजाफ़ा करे और अल्लाह ताला अपनी रहमतों का साया आप सब पे करे और इस तरह दस्तरखान सजता रहे और आप सहरी इफ्तारी करें और करवाएं। अल्लाह ताला बहुत सवाब देता है जब आप रोज़ा खुलवाते हैं क्योंकि रमज़ान में हर नेकी के सवाब का अजर 10 गुना बढ़ जाता है। अजर अल्लाह ताला अता करते हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटें रमज़ान के महीने में इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साए में रखे रमज़ान के महीने में, हमारी अगली पिछली गलतियां कुताहियों को अल्लाह ताला माफ़ करे और हमें बहुत ज़्यादा अपनी रहमत से नवाजे और बहुत ज़्यादा रिज़्क अता फ़रमाए इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ बात होगी। अल्लाह हाफिज़।